हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो, अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत इस मिर्च के प्लांट से। आप देख ही सकते हो कि मेरे मिर्च वाले प्लांट में कितने सारे छोटे छोटे मिर्च लगने शुरू हो गए हैं और बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से कोई सा भी गार्डन हो, बिना किचन गार्डनिंग के वो कम्प्लीट नहीं होता। और ये मेरे गन्ने का प्लांट कितना बड़ा हो चुका है, इसी तरीके से इसकी हाइट और भी जाएगी। एंड गाइस, जो पर्पल हार्ट का प्लांट होता है वो जब इस तरीके से कुछ लैगी हो जाए या फिर समर के तेज धूप से उसकी रंगत खत्म हो जाए, तो उन दिनों में आप इसे प्रून कर दीजिए। जो इसकी लैगी वाली ब्रांच है बड़ी बड़ी, इसको आप तोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से कुछ न्यू बेबी प्लांट निकलेंगे, जिनकी की रंगत बहुत ही खूबसूरत होती है और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इस वाले प्लांट को अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला मेरा एक ब्रांच है इसमें, तो इसको मैं तोड़ के निकाल देती हूँ क्योंकि ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। और इसी जगह से अब नए नए छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलने के चांसेस होंगे। और ये इसमें से देखिए, ये आप देख सकते हो कि ये जो प्लांट है कोलियस का, इसमें देखिए इस तरीके से रेनी सीजन में इस तरीके से रूट बन जाती है, जिसे आप कट करके एज अ कटिंग लगा सकते हो। वैसे तो हम सभी को पता है कि ये कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, लेकिन इन दिनों में जो कटिंग वाले कुछ प्लांट होते हैं उनमें रूट भी निकलने लगती है ऑटोमेटिक। तो ये बहुत ही छोटे पॉट में है और इस तरीके से है, इस तरीके से आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर। इन दिनों जो रंगूर कीपर है, एक बार फ्लावरिंग इससे पहले भी हो चुकी है और दोबारा फ्लावरिंग होने का सीजन है। तो जिन लोगों ने इनमें फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है उनके लिए अच्छा टाइम है कि इन दिनों एक बार वो फर्टिलाइज़र मिट्टी की गुड़ाई करके NPK, बोन मील या फिर बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद जो भी देते हैं वो डाल सकते हैं, जिससे कि फूलों की मात्रा तो खूब अच्छी आएगी। साथ ही जो प्लांट पे प्रेशर पड़ता है, मतलब प्लांट की एनर्जी, प्लांट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपने आगे नहीं फर्टिलाइज़र दिया है तो अभी आप फर्टिलाइज़र दे सकते हो, बहुत ही बेहतरीन टाइम है। अगर हाँ आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फिर पानी में एसिडिक बारिश का पानी होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है और एसिडिक पानी बहुत ही प्लांट के लिए अच्छा हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर हमारे यहाँ बनारस की तरह आपके यहाँ भी बारिश नहीं हो रही है तो फिर आप फर्टिलाइज़र ज़रूर से ऐड कर दीजिए। और इस वाले प्लांट का नाम मैंने बहुत सारी वीडियो में पूछा, दिखाया भी, पर किसी ने मुझे कमेंट के जरिए नहीं बताया कि ये किस चीज़ का प्लांट है। ये एक्जोरा का प्लांट तो नहीं है, क्योंकि इसमें सीड पोड बनते हैं और एक्जोरा में सीड नहीं बनते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से है, कुछ टिकोमा की तरह ये लगता है, पर ये टिकोमा होता तो इन दिनों इनमें फ्लावरिंग होती और काफ़ी हाइटेड होता चला जा रहा है। इसमें से निकालना है मुझे, क्योंकि अगर इसमें से निकालूंगी नहीं तो फिर इसकी ग्रोथ कुछ दिनों के बाद रुक जाएगी, इसे अलग पॉट में शिफ्ट करना है। इसमें भी बहुत सारे पर्पल हार्ट हो गए थे, तो पर्पल हार्ट का जो कलर है वो उड़ गया था, तो मैंने सब पुराने पर्पल हार्ट हटा दिए। बस ये देखिए एक नया पर्पल हार्ट बेबी प्लांट निकला है और ये कोलियस, तो ये देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो इसी तरीके से इसको पर्पल हार्ट को आप कीजिए, आपका बहुत ही सुंदर लगेगा और इन दिनों में आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो, बहुत ही इजीली लग जाएगा। एंड गाइस, डेजर्ट रोज, ये एक ऐसा पौधा है जिसमें कि ओवर वाटरिंग से ही प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि इसको प्रॉब्लम हो, और इस पर कोई रोग वगैरह तो बिल्कुल लगता ही नहीं है। तो ये देखिए इसमें अब मेरे में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया है, इस तरीके से आप देख सकते हो 2-3 बार कंटिन्यू इसमें फूल आ रहे हैं
आते ही जा रहे हैं। एक बार खिला, दोबारा खिला, ये तीसरी बार है। और यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड भी आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इसको, इसके पत्ते वगैरह को लीफ कटर भी नहीं काटते हैं, कोई जम्स मिली बग का भी अटैक नहीं होता है। बस इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत या बहुत ही कम पानी की ज़रूरत नहीं होती है। एक नॉर्मल, मतलब हल्की सी मिट्टी, मॉइस्ट रहे इस तरीके की इसकी मिट्टी, या फिर थोड़ा सा धूल टाइप उड़ती उड़ती इसी मिट्टी रहे, सैंडी सॉइल, वो भी पसंद है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी इसमें अंदर नमी भी होनी चाहिए, क्योंकि नमी नहीं रहेगी